दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 11 मई को दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। इस दावे पर अब खुद अमित शाह का जवाब सामने आया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहते। इस मामले पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, केजरीवाल और पूरा इंडी गठबंधन चुनाव में विफलता का एहसास कर बौखला गए हैं। देश को भटकाना और भ्रमित करना ही इनका उद्देश्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी उम्र को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता जानती है कि मोदी का कण कण और क्षण क्षण भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है और अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। अब आपको केजरीवाल की वो पूरी बात सुनवा देते हैं जो उन्होंने मोदी और शाह को लेकर कही है। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? उधर केजरीवाल के दावों और आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी तुरंत जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने आकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पहले प्रार्थना की। वो भगवान श्री हनुमान, जिनके हृदय में सदैव श्री राम रहते हैं, वहां से बाहर निकल के भी उनके वक्तव्य और पूरे प्रेस में एक बार श्री राम का नाम नहीं निकला। यानी ये वैसी ही भक्ति थी जैसे आप याद करिए, राहुल गांधी भी हनुमानगढ़ी गए थे और श्री राम का नाम नहीं निकला था। उसके उपरांत मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और जिस प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता का प्रदर्शन किया है, खप्तुल हवासी का प्रदर्शन किया है, शायद जब कोई व्यक्ति दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर और जेल में जाकर
वापस आता है तो अक्सर उसकी मनह स्थिति ऐसी ही हो जाती है और वो वैसी ही अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर देता है जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय कर रहे हैं। मगर हम एक बात कहना चाहेंगे कि चाहे वो उनके दारू का प्रभाव हो या वो जहां गए थे उसका कुछ प्रभाव हो, एक बात तो उनके मुंह से अनायास सही निकल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी पीएम बनेंगे और इसके बाद फलां फलां को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। होता है कभी कभी आदमी दारू पीने के बाद अक्सर पूरा कंट्रोल नहीं रहता तो सही बात निकल जाती है। अच्छा, इतना ही नहीं, वो आगे सक्सेशन प्लान भी बताने लगे कि मोदी जी रहेंगे, इसके बाद कौन कौन रहेगा, यानी आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहेंगे ये तक बताने वाले ये ना बता पाए कि जब वो जेल में थे तो प्रधानमंत्री के बारे में बातें करने वाले खुद मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे और ये ना बता पाए कि उनका सक्सेसर कौन होगा। सोचिए, यहां तो इतनी लंबी लंबी बातें बता रहे हैं और खुद किसी भी एक व्यक्ति के बारे में वो ये नहीं बता पाए कि कौन रहेगा। बाकी सब उनके जो नेता, और इसके उपरांत उन्होंने एक बात कही, तानाशाही की बात, उनके वक्तव्य को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, जब जब हमारे देश में तानाशाह आया तब तब जनता ने उखाड़ फेंका। देखिए, फिर एक बात उनके मुंह से, अक्सर जैसे आदमी पी के आता है सच निकल जाती है, फिर यह सच था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा तानाशाह था जिसे उखाड़ फेंका गया? आज उन्हीं के तो दामने रहमत में जाके आप खड़े हो गए। और तानाशाही की बात क्या होती, मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, बोटी बोटी काट डालेंगे और अनेक प्रकार के जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बावजूद वो सभी नेता जलवाए जलाल से घूमकर हम लोगों को अभी तक अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि मौत के प्रकार तक बता दिए गए, हिटलर की मौत तक बोल दी गई। 10 साल पहले मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से बच्चों कसम खाता हूं समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए, 20 साल बाद आप के आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं, अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप आगे की बात करते हैं साहब? इसलिए मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो बात कही है उसमें गंभीर संदेश है देश की जनता के लिए कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है, हाउ डेट्रीमेंटल इन इट कैन बी एंड हाउ डिस्टॉर्टेड इट कैन बी। इसलिए भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सुदृढ़ राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त।